अनारकली धमाके की तहकीकात में पेशरफ, दो मुबैना सहूलतकारों को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारियां रावी रोड के इलाके से हुई। सहूलतकारों को सीसीटीवी फुटेज की मदद से ट्रेस किया गया। जामबाग अफराद के आबाई इलाकों में तदफीन, नमाज जनाजा में कसीर तादाद में शहरियों की शिरकत, लवाकीन गम से निढाल। हादसे से बड़ा सानहा हो गया। लाहौर धमाके में बचे समय तीन अफराद की जान चली गई, कई जख्मी हुए, लेकिन बेरहम अफराद मदद के बजाय पैसे जमा करते रहे। धमाके से प्राइस बॉन्ड की दुकान भी मुतासिर हुई। कैश काउंटर पर रकम बिखर गई, लोग बिखरी हुई रकम शॉपर में भरते रहे। कराची में मौसम ने तेवर बदल लिए, झक्कड़ चलने लगे। नॉर्थ नाजमाबाद और गुलबाई पुल में दीवार गिरने से दो अफराद जान बहक, औरंगी और बल्दिया में दीवार और छत गिरने से बच्चा और दो खवातीन समेत चार अफराद जख्मी। सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी के धरने के टेंट, कनाते और बैनर्स गिर गए। आज रात से शहर में सर्दी में फिर इजाफे की पेशगोई, 8 रोज जारी रहेगी। दर्जा हरारत 6 डिग्री तक जाने का इम्कान। मुल्क में सिदारती निज़ाम की बाज़गश सोशल मीडिया से निकलकर ऐवानों तक पहुंच गई। मुशीर एहतसाब ने खबरों की तरदीद कर दी। बोले 1973 के आइन के मुताबिक पार्लिमानी निज़ाम रहेगा। एहसन इकबाल ने कहा, सिदारती निज़ाम डिक्टेटर पैदा करता है, ऐसे निज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं। इसकी वजह से मुल्क का एक टुकड़ा हाथ से निकल गया। नून लीग ने सिदारती निज़ाम के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में जमा करवा दी। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, ये गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं। राणा शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साख मुतासिर करने के लिए सब किया। जिस जज पर इल्ज़ाम लगाया वो बेंच के रुकन ही नहीं थे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, ऑडियो टेप फॉरेंसिक में झूठी साबित हो गई। शहजाद अकबर बोले, बयान हल्फी साजिश है। एवन पील केस को इल्तवा में डालने की कोशिश की गई। शरीफ डॉक्टर आइन है, जजेस को खरीद लो वरना हमलावर हो जाओ। ऑपोजिशन लीडर ने आज तक मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक वजाहत नहीं दी। एफआईए के पास बेनामी अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस के सबूत हैं। वज़ीर-ए-आज़म जब हुकूमत में नहीं थे तब 2 लाख रुपए का टैक्स दिया, इक्तदार में आए थे तो 98 लाख रुपए का टैक्स दिया। इमरान खान की आमदनी इतनी कैसे बढ़ गई? वज़ीर आला मुराद अली शाह का सवाल। लाड़काना में पीपल्स पार्टी के मुजाहरे के दौरान वज़ीर आला सिंध ने बैलगाड़ी पर बैठकर विफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में शिरकत की। सानिया मरी की रिपोर्ट को पेश करके बहुत बड़ा तीर नहीं मारा? जब मरी में लोग मर रहे थे तो इमरान खान का हेलीकॉप्टर कहाँ था? सानिया मरी भूलने नहीं देंगे, ना ही आपको मामले से निकलने देंगे। हमजा शहबाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा अपनी नाकामी का मलबा माजी की हुकूमतों पर डाल देते हैं। कहते हैं, चीनी कौन सी बलाएं खा गईं? ये बलाएं कोई और नहीं बल्कि हुकूमती ऐवानों में बैठी हैं। चिलगोजे सस्ते होने का इम्कान। दरामद पर आयद 45% रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वजीर खजाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी के इजलास में अफगानिस्तान को मखसूस मसनूआत की बरामदगी इजाज़त दे दी गई। मर्दम और खाना शुमारी के लिए 5 अरब रुपये की ग्रांट की मंजूरी। दासू वाक़े में हलाक चीनी शहरियों के खानदानों के लिए मुआवजे की मंजूरी। कोरोना की खतरनाक तरीन सूरत हाल, कराची में शराब 45.43% हो गई। वायरस से जहाँ बहक 23 में से 17 का ताल्लुक कराची से है। मुल्क में शराब तकरीबन 13% हो गई। इस्लामाबाद में मोहलिक वायरस के शिकंजे में जिला कचहरी में 15 जज, 58 अहलकार भी कोरोना में मुब्तला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कोरोना में मुब्तला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।